कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। ये उन्होंने मुझे चुनौती दी है। इतनी मैं बैठ नहीं पाऊंगा ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां से हो सकता है। कौन? लेकिन नामदार, आपकी इस बातों से मुझे चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम लोगों ने सदियों से ये झेला है, नामदारों के जुल्म झेलते झेलते आए हैं, और इसलिए आपकी ऐसी किसी बात से हम हताहत नहीं होते हैं, हम झेलने की ताकत बढ़ाते चले जा रहे हैं। मोदी जी को छोड़ो नामदार, इस कामदार की क्या, ठीक है हम तो है कामदार है, लेकिन एक काम करो, आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट्स सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। अगर इतना कर लोगे तो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी आपकी बात में दम कितना है, वो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी।